आजाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जिलजिले के झटके, शहरियों में खौफ अफराद। जिलजिले के झटके मानसेरा, अहमदाबाद, सवात, पीर बनीर, हजारा में भी महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जिलजिले की शिदत 5.2 रिकॉर्ड की गई। साबिक सदर आसफ अली जरदारी ने तवील खामोशी तोड़ दी, हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुक्मरानों की नाहली से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, हुकूमत को घर भेजना बहुत जरूरी हो चुका। पीडीएम मुतहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेंगे। मुल्क को शदीद अख़तरात लाहक है, हुकूमत से निजात के लिए पीडीएम तमाम ऑप्शन बतरी इस्तेमाल करेगी। अपोजिशन जमातें एक दूसरे से बदजन हैं, पीडीएम अपनी मौत आप मर जाएगी। वजीर दिफा परवेज हटक कहते हैं कुछ अपोजिशन रहनुमा तरीके अदम एतमाद, कुछ लॉन्ग मार्च के हामी हैं। वजीर हाजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा पीडीएम बिखर रही है, हुकूमत के लिए महंगाई बड़ा चैलेंज है। तरीके अदम एतमाद पर अपोजिशन को शिकस्त होगी, अदम एतमाद लाने का मतलब है बिलावल ने इमरान खान को वजीर आजम मान लिया। मैंने सुना है कि किसी वजीर ने ये कहा है कि जी उनके पास बड़ी वीडियो मौजूद है कि अंदर कमरे में क्या हुआ मुराद शाह साहब के साथ। बिस्मिल्लाह करें, कल का इंतजार ना करें, आज जरा दिखा के वायरल कर देना ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या कहता था कि मैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, मैं तुम्हें जवाब देनी हूँ। मुराद अली शाह सीएम साहब आपसे तो जवाब हम लेके छोड़ेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं कल का इंतजार क्यों, वीडियो है तो आज ही सामने लाएं। वजीर आला साहब हम सब से जवाब ले रहे हैं, पेंशन के पैसों में जो करप्शन हुई इसका जवाब लेंगे। सिंध के ब्यूरोक्रेट्स जो करप्शन करते हैं इसका जवाब देंगे। वफाकी वजीर दफा पैदावार का दौरा इराक, जुबैदा जलाल के इराकी वजीर दफा से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। जुबैदा जलाल इराक के वजीर हाजा, वजीर दाखला, वजीर पेट्रोलियम से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी वफद नजफ और करबला भी जाएंगे। 28 जनवरी को वतन वापसी होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में सफारती ताल्लुकात का बाकायदा आगाज, इसराइल में अबू ज़हबी में सफारतखाना नाज़ेबता तौर पर खोल दिया गया। सफारती मिशन के सरबराह भी अबू ज़हबी पहुंच गए। इधर मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने इसराइल के शहर तल अनबी में सफारतखाना खोलने की इजाजत दे दी। बरतानिया के दीगर शहरों के अलावा लंदन में भी बर्फबारी, दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। लंदन में सड़कें और पाल सफेद चादर में लिपट गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बर्फबारी का इम्कान। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रोसरी पे आई हुई हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम जरूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूंगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हो, गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्या है कि सारी चीजें जो है कि जो है डोर स्टेप में सारी चीजें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है क्योंकि यहाँ पर जो चीजों का मियार है वो पूरे शहर में उस तरह का मियार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर के कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आए, इधर सब कुछ मिल जाता है, इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और जरूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज। मयार पर कोई समझौता नहीं।